तो गाइज अभी हम लोग द्वारकाधीश टेम्पल से निकल चुके हैं और बेट द्वारका जा रहे हैं। बेट द्वारका के लिए आपको ओखा पोर्ट जाना पड़ेगा। ओखा पोर्ट से वहाँ से जेटी जाती है जो कि 10-15 मिनट लेगी और फिर आप मंदिर पहुँच सकते हैं। तो अभी 10:30 बज रहा है और हमें लग रहा है कि हम थोड़ा लेट हैं, तो हम भगा रहे हैं गाड़ी और पोर्ट पे पहुँच के फिर बताते हैं आगे का क्या हो रहा है। पोर्ट है गाइस, मतलब हम लोग बस पहुंचने वाले 30 किलोमीटर कुछ है द्वारकाधीश टेम्पल से। तो पंगा ये है कि बोट है उन लोगों का ना, जब पूरा भर जाता है तब वो निकालते हैं, तो बस वो थोड़ा दिमाग में चल रहा है कि मिल जाए जैसे ही हम पहुंचे बोट निकलने को। बस स्टॉप रहेगा, बस स्टॉप पे गाड़ी रख के फिर आपको इधर पोर्ट आने के लिए 200-300 मीटर है। ऑटो में बैठ के आ सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो चल के आ सकते हो। अभी यहाँ बहुत क्राउड है बोट के लिए, तो अभी हम लोग बोट का वेट कर रहे हैं। ये देखो आप लोग, देखो भाई ये बोट है, ये खचाखच भरी हुई है, जगह ही नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग डिसाइड किए दूसरा बोट में जाएंगे। अभी हमको बोट मिल चुकी है, हम दूसरे बोट में आए। अभी देखो फूल भर रहा है ये पूरा। इतनी पब्लिक पूरी भर रही है। अरे बॉय मेरा हाथ दर्द कर रहा है। और एक आगे गया, जल्दी रखो रखो आएगा। मेरा काजू गिर गया। One eternity later. अभी लग रहा है मैं ही उलड़ जाऊंगी। ए चटर चटर पटर, इधर ना कोई तो खा लो यार। अभी हम लोग यहाँ पे उतरेंगे बोट से, अभी ये वॉक करना है थोड़ा, फिर जाके कहीं भगवान जी के दर्शन होंगे। तो अगर कोई भेट द्वारका का प्लान कर रहा है तो इतना कुछ है, हाँ इजी नहीं है पहुँचना यहाँ पे। मंदिर में हम लोग को मोबाइल कैमरा ये सब ले जाना अलाउड नहीं है, तो ये लाइन इधर लगती है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। यहाँ पे देखिए लिखा मोबाइल कैमरा विंडो, तो सब कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। बहुत ही थक गए हम लोग घूम घाम के, बहुत ही मज़ा आया। अब घर जाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। मंदिर की टाइमिंग है 9 से 12 और शाम को फिर 3 से 6, तो अभी बंद हो चुकी है मंदिर। अभी नेक्स्ट है 3 बजे वो खुलेगी। अभी हमारा तो दर्शन हो गया, हम इसके लिए भाग रहे थे, तो बहुत ही अच्छा हुआ। मंदिर के बाजू में भी बहुत से शॉप्स है जहाँ पे आप कुछ कुछ खरीद सकते हो, आपको खरीदना है तो प्रसाद में हम यहाँ पे भेट द्वारका में चावल मिलता है, चावल का ही दान होता है, प्रसाद भी वही मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुदामा जी ने कृष्ण भगवान को भेंट में चावल दिया था, तो इसके लिए प्रसाद यहाँ पे चावल ही मिलता है। तो ऑडियंस को भी खिलाओ। ऑडियंस लोग, सब लोग, फैंस लोग, सब लोग खा लीजिए और आप लोगों को यहीं से आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से दर्शन सब। अब हम लोग जा रहे हैं भेट द्वारका से वापस। गाइस मेरी और अजय की दोनों की हालत बहुत ही पंक्चर हो चुकी है, हम लोग दोनों खत्म हो चुके हैं। सुबह से जो मंदिर दर्शन चालू है खत्म ही नहीं हुआ है। अभी जाके हाईवे पे सोएंगे। अभी हाईवे पे सोएंगे, हाँ वो बेस्ट है यार, मस्त हाईवे के साइड में कहीं तो गाड़ी लगाओ, ठंडी ठंडी हवा आती रहे और उधर सो जाओ। अभी देखते हैं, अभी तो बोट भी देखना पड़ेगा कि बोट हम लोग को मिल रही कि नहीं जाने के लिए। हेलो गाड़ी
नीला पानी। और अभी हम एक स्पीड बोट में, लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, फुल ब्लू वाटर। यहाँ आने के लिए पासपोर्ट नहीं लगेगा कोई। तो अभी हम लोग बेट द्वारका से निकल के इधर एक छाव में गाड़ी खड़ी की है। हालत टाइट हो चुकी है हमारी। एक दिन में द्वारका घूमना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको द्वारकाधीश टेंपल, बेट द्वारका, ज्योतिर्लिंग सब करना है, एक दिन में नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बेट द्वारका से, मतलब जाएंगे अपना ज्योतिर्लिंग। तो अब वो शुरू करते हैं। भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। बाय द वे मैं बताना भूल गई कि सीएनजी का जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा था ऑन और सब कुछ, तो वो अभी खुद से ही ऑन ट्रैक चल रहा है, प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही है। तो ठीक है, अभी सब कुछ ऑन ट्रैक है। तो अभी निकलते हम लोग बीच के लिए। राजपुर बीच हम लोग पहुंच गए गाइस। यहाँ पे ये लोग 30, वो जो टिकट काउंटर है ना, यहाँ पे 30 रुपीज ये लोग टिकट लेते हैं। और ये एंट्री है। अभी यहाँ से सब कुछ बना हुआ है अंदर अंदर, जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट, अपना ये क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी कुछ बनी हुई है यहाँ पे। सैंड कितनी प्यारी है, फुल वाइट सैंड है। वाह, बहुत मजा आ रहा है। और एकदम सॉफ्ट है, सी एकदम सॉफ्ट है। ये देखो, वाह, वो देखिए, वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं उधर। काफी लोग आए हुए, नाइस। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोरबंदर। हम शिवराजपुर बीच से निकल चुके थे कुछ एक घंटे में, और हमको सोमनाथ जाना है। तो हम सोच रहे कि जो रास्ता है थोड़ा बहुत कंप्लीट कर ले। हालत बहुत ख़राब है मेरी, इसकी बहुत टाइट है। मुझे तो भयंकर नींद आ रही, क्योंकि मैंने सुबह 5 बजे उठी थी, 5:30 बजे उठे थे मंदिर के दर्शन के लिए। तो भयंकर नींद आ रही है अभी पता नहीं तो देख रहे हैं जितना खींच सकते खींचेंगे, फिर रुक जाएंगे कहीं। अभी तो हम लोग पिट स्टॉप लिया है, चाइनीज़ है तो वही डिनर कर ले रहे, ज़्यादा भी एफर्ट नहीं डाल रहा है तो खाते हैं अभी पहले। गाइस हम लोग सोमनाथ पहुंच चुके हैं फाइनली। रात के 12 बज चुके हैं और बहुत टायर्ड है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बात करने का, कुछ बोलने का। मैं सोने जा रही हूँ, आप लोग भी आराम करो, कल सोमनाथ के दर्शन करते हैं।
होप आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।